हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी पावर पॉइंट में। इस धमाकेदार वीडियो के साथ स्वागत करूंगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या बात होगी? आज बात होगी आप लोगों के रीचेक या स्कूटनी के बारे में। आखिर क्या नया बदलाव हुआ है, आखिर वो कौन सा तरीका है जिसके मदद से आप रीचेक फॉर्म भरते हैं तो आपकी बैक क्लियर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वीडियो पे आ गए हो ना, देख के जाना, सोचोगे कि ऐसे फालतू है, देख के चला जा रहा हूं ना, तो भाई गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इसलिए वीडियो पूरा देखना, ध्यान से बातों को समझिए। बाकी मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिकमेंडेड करना चाहूंगा स्टडी पावर पॉइंट का ऐप, जहां पे आप लोग को पता होगा फर्स्ट सेमेस्टर की बिल्कुल फ्री पढ़ाई हो रही है। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले देख लो कितनी बैक लग रही है। फ्री पढ़ना है तो आ जाओ, पूरा क्लास लाइव चलेगा। पहले सेमेस्टर में बिल्कुल न्यू वाली नोट्स वगैरह जो है ये भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बाकी थर्ड और फिफ्थ वाले जुड़िए, क्योंकि बिकॉज आपको पता है बैक में फालतू को बोर्ड को पैसा देने से अच्छा है अच्छे तरह से पढ़ाई करके क्लियर कर जाओ। बैक का हम पैसा नहीं लेते, कोई भी बैक लगा फ्री पढ़ो, ठीक है ना। चलो और टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नोटिस की तरफ लेके चलेंगे। बोर्ड की तरफ से नोटिस आ चुकी है, सीधा नोटिस आई है, आप लोग को दिखाना चाहूंगा। ये देखिए सीधे ईमेल के माध्यम से अति महत्वपूर्ण सूचना थी, इसको जारी किया गया और सब जानकारी आपको साझा करता हूँ। कल के डेट में जारी किया गया, लेकिन आप लोगों का मतलब 3 को रिजल्ट आया तभी जारी कर दिया गया, बट आते आते 4 हो गया था, ठीक है ना। तो आप लोग को रीचेक फॉर्म भरना, इस बात को ध्यान में रखिए। किसको भरना अभी आगे हम बताएंगे और रूल्स क्या हुआ वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोग को बता दूं, आप लोग अगर फॉर्म सही सही भरवाना चाहते हो, कोई गलती ना हो, उसके लिए आप लोग मोनू साइबर कैफे का सहारा ले सकते हो। बहुत ही ज्यादा नहीं, मात्र 100 रुपए में आप लोग का फॉर्म भर के दे देंगे और मैं रिकमेंडेड कर रहा हूं, तो आप लोग को पता ये ट्रस्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। आपका जैसे ही साइट चलेगी या जो भी दिक्कत वगैरह होगा सब सही सही आपसे पूछ करके भरा जाएगा, ताकि किसी की भी गलती ना हो, ठीक ना। इसलिए 150 मत देखिए, सही सही भरवाइए सही जगह से, ठीक ना। नहीं तो गलती हो जाएगी, फिर दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा, तब काम खत्म। तो आइए देखिए सभी कॉलेज के लिए जारी किया गया और देखिए इस बार क्या किया गया है। चाहे सम सेमेस्टर, वार्षिक, बैक, स्पेशल बैक जो जून 2024 में परीक्षा हुई है उसका परिणाम आ चुका है। परिणाम आने के बाद पुनर्मूल्यांकन अगर किसी को कराना है, यानी रीवैल्यूएशन का फॉर्म डालना है, या रीचेक बोल सकते हो, रीचेक का फॉर्म डालना है तो डाल सकता है। इस बार स्कूटनी का ऑप्शन हटा दिया गया, बिल्कुल आपने सही सुना, स्कूटनी जो 60 रुपए जिसका लगता था ये चीज हटा दिया, बिकॉज की बोर्ड पैसा नहीं कमा पाता था इसमें। बहुत सारे बच्चे 60 रुपए वाला से काम चलाने के चक्कर में रहते थे, बोर्ड की कमाई नहीं हो पाती थी, है ना, बोर्ड की कमाई नहीं हो पाती थी। बोर्ड का इसको हटाओ, सीधे 500 पे बात करो अब, है ना। तो 500 वाले में क्या मिलेगा और दिखाता हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जिसको भी चेक करना बीटीयूपी पे जा करके, रिजल्ट पे जा करके, रिवैल्यूएशन पे जा करके, इस तरीके से ऑनलाइन कर सकता है। हर 24 घंटे में एक होगा, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर अगली बार फीस पेमेंट 24 घंटे बाद, फिर नेक्स्ट 24 बाद फाइनल स्लिप मिलेगी, ठीक ना। तो ये चीज इसमें दिया गया है। आइए आगे की तरफ लेके चलता हूँ। इसमें देखिए डेट वगैरह पूरा आप लोग को मिल जाएगा, कब कब क्या क्या करना है। फीस वगैरह 500 रुपए पर सब्जेक्ट की दर से आप लोग को जमा करना होगा, बाकी ऑनलाइन जमा करना होगा, कोई अन्य तरीका नहीं है कि अन्य तरीके से ये आपका काम किया जाएगा, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें आप लोग की यहाँ पे हो जाएंगी और 24 घंटे के बाद स्लिप वगैरह निकलेगा। कब से कब भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन आज से हो रहा है, 5/10/2024 से कराया जा रहा है, 10 आपका कितने तक, 7 तक चलेगा, और अंतिम तिथि जो पेमेंट की है वो 9 तारीख है, उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो 7 मतलब आज कल परसों, बस 3 दिन भर सकते हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये चीज जमा करने के बाद मतलब सब कुछ हो जाएगा, तो आप लोग इसको सबमिट कर दो कॉलेज में। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात, जो स्टूडेंट अपने भरेंगे, मुझे जब ये वीडियो बना रहा हूँ 10 स्टूडेंट कॉल लगभग कर चुके हैं कि सर हम अपने भर रहे थे गलत हो गया, अब क्या करें भैया, गलत हो गया काम खत्म। तो इसलिए गलती मत करना, क्या कि देखो लिखा गया है, अगर अपने से कुछ भर रहे हो, किसी विषय में उल्टा पुल्टा हो गया, कोई त्रुटि या समस्या हुई, तो इसके जिम्मेदार ओनली स्टूडेंट होंगे, छात्र छात्राएं होंगी, और कोई दूसरा नहीं होगा, ठीक ना। साथ ही साथ देखिए बोर्ड ने इस बार यह नियम एक बार लागू कर दिया, सिर्फ स्कूटनी होगा, सॉरी रीचेक होगा, स्कूटनी हटा दिया गया। उसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट, ठीक ना, उत्तर पुस्तिका में मोबाइल नंबर लिखा है उसका रीचेक आप नहीं करा सकते। जो स्टूडेंट मोबाइल में मोबाइल नंबर लिखे हैं उनमें 00 है, वो लोग क्या है, रीचेक का जो ऑप्शन है, ठीक ना, रीचेक का जो ऑप्शन है ये नहीं यूज कर सकते, वो आएगा ही नहीं सब्जेक्ट। उसके साथ ही साथ इसमें जो जो छात्राएं जो है, आप लोगों का 15,000 छात्रों ने क्या किया है, करीब मोबाइल नंबर लिखा है, इनका क्या है मूल्यांकन यानी पुनर्मूल्यांकन ऑनलाइन माध्यम से जो भी कराना आवेदन विकल्प नहीं दिया जाएगा, जो कि यह कर रहे हैं हमारे जो सचिव हैं बीटीयूपी के, अजीत कुमार मिश्र श्रीवास्तव जी। तो आप समझ सकते हैं भैया काम नहीं हो पाएगा, तो इस बात को आप ध्यान, यही नोटिस थी।
अब बात करते हैं वो कौन सा तरीका जिसके मदद से बैक क्लियर हो सकता है। बात को समझिए, अगर किसी स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट में बैक लगा है, ठीक ना, 5 में लगा है, तो वह क्या है कि जिन सब्जेक्ट में बहुत अच्छे तरीके से पेपर दिया है बस उसी का रीचेक का फॉर्म वह डाल दे, ठीक ना, वो क्या करे, रीचेक का फॉर्म क्या है वो फिल कर देगा बस। बात को समझिए, जिसका 5 में लगा, देखिए जिसका 4 में लगा है वो ना फिल करे, वो अपनी पढ़ाई करे अच्छे से और अगली बार पेपर देके क्लियर कर ले। जिसका 4 लगा है, 3 लगा है, 2 लगा है, 1 लगा है, ये सभी स्टूडेंट के लिए मेरा एक ही सजेशन है मेरे भाई, पैसा फूकना नहीं है। क्या करना है, करना ये है कि पढ़ाई कर लो। जिसका 1 लगा है, 2 लगा है, 3 लगा है, 4 लगा है, ऐसे करके। जिन स्टूडेंट का 5 बैक लगा है या फिर 6 बैक लगा है, ठीक, दो को मैं रिकमेंडेड करूंगा, 5 बैक लगा है या फिर 6 सब्जेक्ट में क्या है बैक लग गया। अब इनमें से जिस भी सब्जेक्ट में आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है उसमें ही सिर्फ रीचेक करवाइएगा, अन्यथा मत करवाइएगा, ठीक ना। क्यों? क्योंकि 5 सब्जेक्ट 2500 रुपए, 6 सब्जेक्ट 3000 रुपए आपके वेस्ट हो सकते हैं। और यदि इसमें आप भरते हैं तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो मतलब रीचेक भरने से पास होने का जो तरीका है वह सिर्फ 5 से 10% ही कारगर है। 5% से 10% लोगों का क्लियर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, नहीं तो बोर्ड के पे सवाल उठेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे क्या अपडेट रही इस बोर्ड की, कैसे धज्जिया उड़ाया जाएगा, ठीक ना, मिलके अब हम लोग भाई आवाज उठाएंगे, एकदम सीएम तक भेजेंगे, ठीक ना, बाबा जी तक सब आवाजें अपनी पहुंचानी पड़ेगी, तभी जाकर के काम होगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। बहुत लड़के पढ़ने वाले उनका बैग लगा गए तो गलत बात है ना। तो आइए टॉपिक की तरफ, तो 5-10% है तो ये बात ध्यान रखिएगा जिसका ये है, नहीं तो फिर भाई आप लोग रीचेक मत करवाइएगा ना, मतलब 5-6 वाले कराएं इसके अलावा कोई नहीं। जिसका 7 बैक है, 8 बैक है या 10 बैक है ये लोग कदापि मत कराइए, ठीक है ना, नो, एकदम नहीं कराना है। इन स्टूडेंट को क्या करना है, अगर पढ़ाई करना चाहते हैं री एडमिशन ले सकते हैं, ठीक ना, क्या सकते हैं, री एडमिशन ले सकते हैं, ठीक ना, री एडमिशन लेकर के काम चालू कर दीजिए, ये हो सकता है, ठीक ना, री एडमिशन आपका लेकर के काम चालू कर सकते हैं, और कुछ भी ऑप्शन नहीं, या फिर पॉलिटेक्निक छोड़ सकते हैं, बस यही एक ऑप्शन बचा हुआ। बात को समझिए, हल्के में मत लीजिए, ठीक ना, हल्के में लेंगे पछताएंगे, ठीक ना, आप पछताएंगे, ठीक ना, ऐसे नहीं बोलना है, पिछले 6 सालों का एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक ना। तो आप लोग बात को समझिए, इस चीज को आप फॉलो करिए, 2024 में बैक क्लियर करने का यही एक तरीका बचा। इससे पहले मैं 2018-19 में भी वीडियोस बना, आज भी उस पे कमेंट आता है कि सर क्या करूं ऐसे ऐसे हुआ, तो आज अभी वो वीडियो चल रही है, तो अभी 2024 में ये तरीका वो तरीका काम नहीं कर रहा है, ठीक ना। आप लोग एक और चीज करा सकते हो, वो है आरटीआई करा सकते हो, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपका हक है आपकी कॉपी देखने का, मतलब कुछ देश का जो सेंसिटिव डेटा मिलिट्री वगैरह इस टाइप का वो नहीं देख सकते हो, बाकी हर एक चीज देख सकते हो, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आप लोग आरटीआई के तहत वो डिटेल मांग सकते हो, सामने वाले को देनी ही पड़ेगी, तो आप लोग क्या आरटीआई कराइए, आरटीआई में ज्यादा पैसा नहीं लगता, उसमें आरटीआई में देखिए एक हार्ड कॉपी भेजते हैं उसका पैसा लगता है, आप लोग वो मत कराइए, आप लोग ईमेल वाला कराइए, ठीक ना, आप लोग क्या कराइए, ईमेल वाला आरटीआई कराइए, ठीक ना, कि आरटीआई ईमेल वाला कराइए, इसमें आपका जो पीडीएफ फाइल बना करके ईमेल के माध्यम से दिया जाएगा, तो उसमें आप अपनी कॉपी देख पाएंगे, और हमें भी भेजिए, हमें भेजिए हमारे नंबर पर 7081078539, ठीक है, तो हमें इस नंबर पे भेजिए ताकि हम भी देख पाए भाई आप लोगों का किस तरीके का रिजल्ट रहा, क्या बोर्ड देख रहा है रिजल्ट में, क्यों बच्चों को इतना फेल कर रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, जो भी हमारे साथी हैं हमारे भाई हैं, ठीक है ना, बहुत अन्याय कर रहा है बोर्ड, बात समझ सकते हैं। तो बस यही बता रहा था कि इसके लिए क्या करना सही है, किस कैसे करना, और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात इसको मत भूलिए, मोनू साइबर कैफे से आप लोग करवाइए, सही सही कर देंगे, और वेस्ट विशेस के साथ आप लोगों का बैक मुझे उम्मीद रहेगा कि क्लियर हो जाएगा, आप लोग यहाँ इनका एक बार सपोर्ट जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ाई भी करना जरूरी है, तो उसके लिए तो भाई हमारा प्यारा ऐप तो है ही है, स्टडी पावर पॉइंट ऐप, ठीक है ना, पहला सेमेस्टर फ्री है जी, आइए ना पढ़िए फ्री में, अपने दोस्तों जूनियर को रिकमेंडेड करिए भाई, पढ़ा करके पास करा देंगे, चाहे पहले से पैसा नहीं ले फिर भी पहला सेमेस्टर पास करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस देखने के लिए, हमारी और आपकी मुलाकात होगी ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।